हम लोग पढ़ते रहते हैं, ये एक इवेंट होता है जो पूरा हफ्ता चलता है एंड मतलब वी हैव लॉट ऑफ फन. कोई कॉलेज नहीं होता, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं, क्रिकेट ग्राउंड में जाते हैं, फुटबॉल ग्राउंड में जाते हैं, सारी टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होता है, अच्छा है, हेल्दी एक्टिविटी है, बंदे का माइंड फ्रेश हो जाता है. लेकिन जो नहीं पार्टिसिपेट करते, घर पे रहते हैं, दे जस्ट स्टडी एंड फोकस ऑन दैट, तो आई थिंक उससे भी आपका माइंड उल्टा ज़्यादा डल हो जाता है. और आई हैव सीन इज दैट जो हमारे एथलीट्स हैं या प्लेयर्स हैं, वो पढ़ाई में भी सबसे आगे आगे हैं, मतलब डिस्टिंक्शन होल्डर्स हैं इनमें काफ़ी सारे, जो कि बाकी स्टूडेंट्स हैं उनमें से ज़्यादातर एवरेज स्टूडेंट्स ही हैं. मैं बहुत खुश हूँ, मेरा आखिरी साल है इस कॉलेज में और मैं यही चाहता था कि मैं कुछ ले कर जाऊँ यहाँ से. माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इज्जत मिली है यहाँ से और अभी बहुत खुश हूँ कि साथ साथ स्पोर्ट्स में मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त भी बने हैं और फुटबॉल की जो ट्रॉफी मिली है मुझे और बेस्ट प्लेयर की, उस पर काफ़ी खुश हूँ. स्पोर्ट्स जो है आपकी लाइफ का हिस्सा है, आपको बहुत सी चीज़ें सिखाता है. इस साल हम लोगों ने काफ़ी अच्छे प्लेयर्स निकाल लिए हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि हम लोग पढ़ाई में भी अपने कॉलेज को आगे लेके जाएंगे, उसके साथ साथ स्पोर्ट्स में भी इंशाल्लाह साथ लेके जाएंगे. बहुत मज़ा आया, वी एंजॉयड इट अ लॉट एंड आई वाज द रिप्रेजेंटेटर ऑफ माय क्लास एज वेल एंड आई हैड टू मैनेज एवरीवन, सो इट वाज एन एंचांटिंग एक्सपीरियंस एंड आई एंजॉयड थ्रू आउट द स्पोर्ट्स वीक, वेरी मच एंजॉयिंग. बहुत इंजॉय किया हमने, अपने सीनियर्स के साथ मिल के खेला, उनसे सीखा. उसके अलावा हमने कम्युनिकेशन गैप एक तरह से था, बिकॉज स्टार्ट से ही हम लोग जो है स्टडीज़ को लेके चल रहे थे आगे, बीइंग फर्स्ट ईयर हमारा सिस्टम भी नया था तो थोड़े कन्फ्यूजिंग थे. बट नाउ हेयर इन द स्पोर्ट्स वीक वी हैड एन एक्सपोजर टू ऑल द सीनियर्स एंड द फैकल्टी एज वेल, सो वी एंजॉयड अ लॉट एंड इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस बींग अ पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स क्लब एंड बींग एन एस आर एज वेल. दिस ईयर वॉज डेफिनेटली बेटर क्योंकि स्टूडेंट्स की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी. इट वॉज अमेजिंग द टीचर्स, द सपोर्ट, द स्टूडेंट्स हु केम टू सपोर्ट अस, और सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आया. बेहतरीन इवेंट हुआ है हमारा, हमारे कॉलेज ने बड़ा सपोर्ट किया है हमें और एज अ प्रेजिडेंट उन लोगों ने मुझे सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं कि मैं खुद ही ऑर्गेनाइज करूं, खुद ही स्टूडेंट्स को मैं इवेंट्स की तरफ अट्रैक्ट करूं, स्पोर्ट्स की तरफ अट्रैक्ट करूं. इस दफ़ा जो हमारा स्पोर्ट्स वीक हुआ था, नॉर्मली ये होता है कि जो फैकल्टी होती है वो ऑर्गेनाइज करती है सारा स्पोर्ट्स वीक, बट दिस ईयर सब कुछ स्टूडेंट्स ने खुद ऑर्गेनाइज किया था, इवेंट प्लान किया था, फॉरवर्ड किया था एवरीथिंग. मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो बास्केटबॉल था, क्योंकि हमारी जो बास्केटबॉल की टीम है दैट इज़ मतलब फर्स्ट क्लास. जितनी भी हमारी इस्लामाबाद में कॉलेजेस हैं उसमें जो टॉप की टीम होती थी वो रावल मेडिकल कॉलेज की थी, लेकिन पिछले साल से इस्लामाबाद मेडिकल कॉलेज जीतता आ रहा है. चैलेंजेस तो इतने खास नहीं थे, स्टूडेंट्स ये चाहते थे कि उनको थोड़ा टाइम दिया जाए जो कि कम था स्पोर्ट्स वीक के लिहाज से. मतलब हमने जो अरेंजमेंट्स किए हैं वो हमारे सारे स्टूडेंट्स ने मिल के ही किए हैं और सबसे पहले तो मैं बड़ा खुश हूँ कि इतने कम टाइम में स्टूडेंट्स ने इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर दिया. बस यही था कि बस टाइम का इशू था तो उसकी वजह से हम लोग थोड़ा डिले हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी स्टूडेंट्स अट्रैक्ट हुए हैं और काफ़ी खुश हुए हैं. बीइंग गर्ल इतना आजकल इतना मुश्किल नहीं होता, मगर ये है कि हम लोगों को हमेशा गर्ल्स को ये कहते हैं कि वो लड़कियों के गेम्स हैं तो क्या होता है, और हम लोगों को शायद उतना वो सपोर्ट नहीं मिलती जितना लड़कों को मिलती है, मगर IMDC इज़ डिफरेंट, यहाँ पे दोनों को इक्वली ट्रीट किया गया है और ये एक बहुत अच्छी बात है. वेल आई होप दैट आई वॉन्ट डिसअपॉइंट द टीचर्स एंड एवरीवन्स हुज़ हेल्पिंग आउट, बिकॉज ये इस साल का स्पोर्ट्स वीक बहुत अच्छा था और इसी की वजह से फिर हमारे कंधों पर भी जिम्मेदारी आती है कि हम लोग इसे और बेहतर करके दिखाएं, और इंशाल्लाह करके दिखाएंगे.